कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया और इसके बाद राजनीति भी तेज हो गई। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न का फैसला दिया तो इसको लेकर चुनावी आकलन भी होने लगे। माना गया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जो विपक्ष का पीडीए का एजेंडा है या कहिए आप सामाजिक न्याय का एजेंडा है उस पर एक अच्छी खासी चोट मारने की कोशिश की और इसके बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टी के लोग इसका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे अखिलेश यादव हो, लेकिन समर्थन सीधा सीधा नहीं है, कुछ पेच भी है और ऐसी एक पेच मायावती ने फंसाई है। दरअसल मायावती ने इस पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है और जो लिखा है वो बीजेपी के लिए एक और मांग है। दरअसल मायावती ने लिखा है, देश में खासकर अति पिछड़ों व उनके संवैधानिक हक के लिए जीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को आज उनकी स्वामी जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे देश के ऐसे महान व्यक्तित्व श्री कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सही अब भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करके केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत, देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार व सभी अनुयायियों आदि को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। इस प्रकार दलित व उपेक्षितों को आज सम्मान के साथ जीने व इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जनदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक व अविस्मरणीय है, जिससे करोड़ों लोगों की चाहत के अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी। दरअसल मायावती ने शुरू में तो एक तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर सरकार का स्वागत तो किया, लेकिन अंत में जाते जाते उन्होंने कहा कि भाई साहब कांशीराम को भी आप भारत रत्न से सम्मानित किए। दरअसल कांशीराम बामसेफ के संस्थापक रहे, DS4 हो या उसके बाद बसपा रही हो, यानी कि मायावती जिस पार्टी के अभी मुखिया हैं उसके संस्थापक भी कांशीराम रहे और उन्होंने एक अच्छी खासी दलित पॉलिटिक्स की और उनका एक नाम है। ऐसे में बसपा ये चाहती है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए। ना सिर्फ बसपा बल्कि अखिलेश यादव ने भी जो इस पर पोस्ट किया वो बिल्कुल साफ साफ ही बताता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीए के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय एवं आरक्षण के परंपरागत विरोधी को भी मन मारकर अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा। पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है, पीडीए हराएगा एनडीए। तो कुल मिलाकर एक तरफ विपक्षी जो है इसको अपने तरह काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की उसको काउंटर किया जा सके, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जीत पीडीए की है, तो मायावती ये कह रही कि भाई साहब आप कांशीराम को भी अब भारत रत्न दीजिए। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम नेता इसे सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सामाजिक न्याय की पुरोधाओं का ख्याल रखते हैं, वो चाहे किशोर मौर्या हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन चुनाव से पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने के बाद इसकी चर्चा राजनीतिक हो चली है। आपको क्या लगता है, मायावती की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी मानेगी या कोई इस पर बयानबाजी करेगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक, नमस्कार।